नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल, ये जो टॉपिक चलता है हमारा संडे टू संडे स्पीडी पब्लिकेशन के बुक के 50 क्वेश्चंस को करते हैं, इसका 11वां वीडियो है। देखिए 11 वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो हमने कितने प्रश्नों को कर लिया, तो आज हमको मिला के देखा जाए तो 550 प्रश्नों को कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये आपके NTPC हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तरीके से आज आप टेस्ट लेके देखिएगा कि आज आपको इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही आते हैं। आज के इस वीडियो का कट ऑफ मैं रखता हूं 44 प्लस जो भी बच्चा करेगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है, नेक्स्ट संडे मिला भी नहीं था क्योंकि मेरी गलती थी, PPT बन नहीं पाया था और मैंने आज भेजा मॉर्निंग में तो शाम तक मिला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में करंट अफेयर्स के लिए आपके जितने भी डाउट थे सब क्लियर। करंट अफेयर्स के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, NTPC में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ एक PDF से पढ़ाई करना है, बाकी वीडियोज भी इसी PDF से आपको मिल रही है। 5-6 वीडियोज आज भी मॉर्निंग में एक वीडियो मिला है। PDF की बात करें इससे बाहर कुछ नहीं, 221 पेज का नोट्स है, 56 टॉपिक वाइज इसमें करंट अफेयर्स दिए हैं। उसके बाद टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद आपके अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स इसमें मैंने डाले हैं। कोई भी डाउट हो PDF से रिलेटेड आप हमें WhatsApp कर सकते हो, या फिर डेमो देखना हो PDF का कैसा तो भी आप हमें WhatsApp कर सकते हो, मैं आपको डेमो भेज दूंगा। ठीक है, तीनों PDF का डेमो तैयार है, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक GK। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे साइंस स्पेशल बहुत सारे लोगों ने PDF लिया है, जिन लोगों ने नहीं लिया ले सकते हैं। साइंस में भी अच्छा स्कोर करने के लिए साथ में हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, यहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, रिप्लाई देता रहता हूँ। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी हमारे इंपॉर्टेंट PDF मिलते रहे, साथ में वेबसाइट है, इस पर फ्री वाले और पेड वाले PDF दोनों ऐड है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, तो पहला प्रश्न है रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से मैंने बोला मॉक टेस्ट की भांति आपको सॉल्व करना है। 44 मैंने बोल दिया कट ऑफ रहने वाला है, 44 प्लस आपको करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रबर का के संश्लेषण में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, किसमें? रबर के संश्लेषण में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बात ध्यान रखना, जब भी वीडियो देखा करो इस टाइप के एयरफोन लगा के देखा करो, और एक पेन और कॉपी, जो प्रश्न आपको याद हो जाते हैं उनको 2-3 बार प्रश्नों को रट लिया करो आंसर, और जो लगता है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एक बार वन लाइनर बना के लिख लिया करो। ठीक है, इससे होगा रिवीजन कर लोगे तो फिर कभी भूलेगा नहीं। एयरफोन लगा के देखोगे सीधे आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा बैकग्राउंड में, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तो उससे जल्दी आपको लर्न होगा। ठीक है, चलिए, अगर जो आप 20 मिनट में 25 मिनट में 50 क्वेश्चन सीख लेते हो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। अब सोना क्या होता है? सोना बहुत नरम धातु होता है। नरम मतलब ऐसे आप रखोगे तो लटक के ऐसे हो जाएगा, धातु बनाओ, कोई अंगूठी बनाओगे तो अंगूठी चिपटी हो जाएगी, मतलब कुछ भी बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा धातु। जो हम क्या बनाते हैं सोने से? आभूषण। आभूषण नहीं बनेगा, तो इसको क्या बनाने के लिए? इसको हम कठोर बनाने के लिए, अस्थायित्व तो प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, हम इसमें क्या मिलाते हैं? हम इसमें कुछ धातु मिला देते हैं, हम इसमें कुछ मिला देते हैं जिससे ये कठोर हो जाता है या अस्थायी हो जाता है, जिससे ये थोड़ा सा शक्तिशाली हो जाता है। तो इसमें क्या मिलाते हैं? तांबा भी मिलाते हैं, प्लेटिनम भी मिलाते हैं, पैलेडियम भी मिलाते हैं, जस्ता भी मिलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलाते हैं वो हम तांबा मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपका नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन जो बनाया जाता है उसमें कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडिविकम। एपिडिकम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिडिकम्ल जो कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है नायलॉन बनाने में, ठीक है, वो होता है एपिडिकम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब यहाँ पे देखा जाए एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन भी है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन भी है। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती जल जाती है तो उससे प्रकाश ऊर्जा तो मिलती है, आपको पता है मोमबत्ती जल रही है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से आपका किस में परिवर्तन होता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक,
और यहाँ पे भौतिक परिवर्तन कैसे होगा, भौतिक परिवर्तन ये हो गया कि मोमबत्ती जल गया तो भी उसमें कुछ मोम बचे रह जाते हैं गलने के बाद, वो मोम का उपयोग करके हम फिर से एक मोमबत्ती बना, मतलब उतना बड़ा नहीं लेकिन कुछ मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन में आ गया। ठीक है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी सही होगा और भौतिक, लेकिन मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही करना सही होगा। ठीक है, दोनों दिया है तो हम ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका ये है आतिशबाजी में, आतिशबाजी क्या होता है, शादी ब्याह दिवाली में आप पटाखे फोड़ते हो ना, तो उसमें देखते हो कोई ये वाली पटाखा होता है तो उसमें जब ऊपर जाता है तो उसमें कलर निकलता है, एक लाल कलर निकलता है, हरा कलर निकलता है, आसमानी कलर निकलता है, पीला कलर निकलता है, तो इसमें आपके समझ में थोड़ा सा आना चाहिए ये क्या रीजन है, ये कलर कहाँ से आते हैं, तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें ध्यान रखना, हमेशा जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा कलर, ठीक है, हरा कलर किसके कारण होता है, बेरियम के कारण, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो आपसे पूछे लाल कलर किसके कारण होता है, तो स्ट्रॉन्शियम के कारण, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम के कारण लाल कलर होता है, बेरियम के कारण हरा कलर होता है, और आपसे पूछे पीला कलर किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्शियम ये भी होता है स्ट्रॉन्शियम, लेकिन स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट होता है, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के कारण ये पीला होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर जो आपसे पूछ ले आसमानी, तो वो स्ट्रॉन्शियम सल्फेट होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बेरियम हरा कलर किसके कारण, बेरियम के कारण, लाल कलर स्ट्रॉन्शियम के कारण। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कपूर को किस, कपूर का जलना एक प्रकार से ध्यान रखना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है, और शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सदैव मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, इसका आंसर होगा प्लेटिनम पाया जाता है। ठीक है, तो सोना दिया है ऑप्शन में तो सोना हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं AU से, प्लेटिनम की बात करें तो PT से डिनोट करते हैं, तो सोना ही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सोना जो होता है वो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है, तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, सभी रंगीन यौगिक बनाता है, कौन से तत्व की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा इसका क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यस से डिनोट करते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये भी पता होगा सबको, इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है। ठीक है, जो गुब्बारे होते हैं आपने देखा होगा उड़ते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है और बहुत हल्की होती है। ठीक है, सबसे ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, पूछा जाता है, कैवेंडिश ने, केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो ये घुल जाता है किसमें, अकुआ रेजिया, अकुआ रेजिया, अकुआ रेजिया, एक एग्जाम में दे दिया था डायरेक्ट इंग्लिश में, तो अकुआ रेजिया ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा अम्लराज, जिसको अकुआ रेजिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अम्लराज में सोना घुल जाता है। नेक्स्ट बात करें, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, ये भी हलवा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट, ये जो ल्यूसाइट गैस होती है युद्ध में प्रयोग की जाती है, क्यों, क्योंकि ये एक विषैली होती है, विषैली से लोग मर जाएंगे, तो ये बनाई जाती है मुख्यतः किससे बनाई जाती है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला मॉक टेस्ट की बात, देखिए यहाँ पे ये जो वेबसाइट है allexamguruji.com बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिट करिए, जो हमारे पेड वाले PDF है सारे हैं, साथ में बहुत सारे बुक किताबें आपको फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल है यहाँ से। ठीक है, तो एसिटिलिन ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, लार में बात करें, लार pH पूछा जाता है तो 6.8 इसका pH होता है, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन आपने सुना होगा, टाइलिन भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, और एक आपने सुना होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या क्या काम होता है, ये कीटाणु मारने का कार्य करता है, जो कीटाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को
माल्टोज में बदलता है। तो यहाँ पे टायरिन तो है नहीं, तो माल्टोज को ही हम सही करेंगे, माल्टोज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ की बात हो रही है, तो ये होता आपका टेट्रा एथिल लेड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, शुष्क धुलाई के काम आते, कोई एक धुलाई तो आप कर पानी से धोते हो, पानी का नुकसान करते हो, अभी एक शुष्क धुलाई होती है जिसमें कुछ चीज़ों का प्रयोग करके हम उसको बिना पानी के धोते हैं। ठीक है, तो शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है, इसमें देखो शुष्क पानी से धुलने में जो प्रयोग करते हैं हम उसमें रेशे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें शुष्क धुलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क धुलाई में काम आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने के काम कौन सा आता है, देखो एक यहाँ भी ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल जो होता है अपने खट्टे फल चीज़ों जो बनाते आप अचार बनाते हो, ठीक है, अचार बनाते हो या फिर कह सकते हो मुरब्बा बनाते हो, इनको आपको ज़्यादा दिनों तक रखना होता है और डिब्बा बंद करके रखना होता है, तो इसमें बेंजोइक अम्ल मिला देते हैं जिससे इसमें किण्वन प्रक्रिया नहीं होती तो ख़राब नहीं होता, इसलिए इसमें हम बेंजोइक अम्ल मिला देते हैं। दवा में भी ये चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे वो ज़्यादा टाइम तक रहे, तो बेंजोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दवा बनाने में काम आता है। नेक्स्ट बात करें, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन में सबसे अधिक तत्व संख्या में यौगिक होते हैं। नेक्स्ट बात करें, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा लोहा ऑप्शन नंबर ए, आयरन बोलते हैं, एफ ई सी डी नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने के लिए फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आशा है आप 40 प्लस रहोगे और बहुत सारे बच्चे 44 भी करने वाले हैं जो आज का कट ऑफ है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है नीला स्याही बनाने में। नेक्स्ट बात करें, रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं, तो रेयान रेशे किससे तैयार किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज से, सेलुलोज से रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, नाभिक का आकार होता है, नाभिक के बारे में आपने सुना होगा, कुछ इस तरीके से उसकी संरचना बनाई जाती है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसका आकार होता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा 10^-15 मीटर, क्या आकार होता है, 10^-15 मीटर नाभिक का आकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, तो अस्थायी कण की बात हो रही है, तो न्यूट्रॉन होगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अस्थायी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ के जो न्यूट्रॉन होता है ये हमारा अस्थायी कण होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, ये तो पता होगा सबको, ईटा पर नाचे यानी कि ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, खोज की थी टॉमसन ने। ठीक है, प से हो गया प्रोटॉन, यहाँ पे खोज की थी रदरफोर्ड ने, और यहाँ पे न से हो गया नाचे से न्यूट्रॉन, खोज की थी चैडविक ने, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का अस्थायी कण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण किस पर डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट बात करें, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा विटामिन B12 जो होता है उसका जलीय विलयन गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विटामिन B12 का जलीय विलयन गुलाबी होता है। नेक्स्ट बात करें, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्की पूछा तो लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, वसा विलेय होता है, वसा विलेय होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, हाँ, वसा विलेय होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट बात करें, एस्प्रिन बनाई जाती है, एस्प्रिन किसकी बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा एस्प्रिन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है थैलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थैलिक अम्ल से बनाई जाती है एस्प्रिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एस्प्रिन का रासायनिक, देखो एस्प्रिन आया तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है C9H8 और O4 होता है, एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है,
एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें सबसे भारी धातु, अभी मैंने बताया सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेप्सोमाइसिन, स्ट्रेप्सोमाइसिन की खोज करता है, तो स्ट्रेप्सोमाइसिन की खोज किसने की थी, बॉक्समैन ने की थी, बॉक्समैन ने की थी। स्ट्रेप्सोमाइसिन का प्रयोग कब होता है, एक तो टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम जिसे बोलते हैं, और एक तो हमारा प्रयोग करते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये टीबी के एक क्वेश्चन आता है, टीबी के जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने की थी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल की शुद्धिकरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, हो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ठीक। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, फ्रियोन का रासायनिक नाम, फ्रियोन यानी कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन या सीएफसी बोलते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट बात करें टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरो एथीन, टेट्रा फ्लोरो एथीन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, संश्लेषित रेशा है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर ए, रेयान, ठीक। नेक्स्ट बात करें कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो समुद्री जल से बात करें नमक किस विधि से तैयार किया जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सबसे अस्थाई तत्व है, देखो ये वाले सीरीज जो चलती है संडे टू संडे चलती है, बाकी आपका 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस के 2000 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक को, वो हफ्ते में 3-4 वीडियो आपको मिल जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सबसे अस्थाई तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका सीसा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, अक्रिय गैस की बात करें इसकी खोज की थी आपका रैमजे ने, किसने की थी, रैमजे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट, देखो विटामिन सी नष्ट होते हैं सर्वाधिक सबसे पहले विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है, तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाले कौन से तत्व होते हैं, विटामिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रखा जाता है आपका जल में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, हमेशा ध्यान रखना जो ओजोन गैस होती है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया की बात करें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 46% होती है। यूरिया का रासायनिक नाम भी ध्यान रखने का CH4N2O, ठीक है, CH4N2O यूरिया का रासायनिक नाम होता है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, तो हमेशा निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक, निकिल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजनीकरण में, मूंगफली के तेल के। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 47, आतिशबाजी में, देखो वो क्वेश्चन आ गया, इसके पहले था हरा रंग तो बेरियम के कारण, मैंने बताया था वहाँ पे लाल रंग स्ट्रॉन्शियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा लवण बोलते हैं, ठीक, लवण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, उदासीनीकरण जो क्रिया होती है उसमें लवण एवं जल बनता है, क्या बनता है, लवण एवं जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े
तो ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे शुद्धतम जल है, क्या है सबसे शुद्धतम जल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा का, वर्षा के जल को हम सबसे शुद्धतम जल मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके पीडीएफ के बारे में मैंने बताया, उसको जरूर लीजिए, ठीक है, करंट अफेयर्स ये वाला, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तथा साइंस का भी पीडीएफ जिन लोगों ने नहीं लिया जाके लो और पीडीएफ से भी पढ़ो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लेट मिला इसके लिए सॉरी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।